गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बी एस के विद्यासागर सिंह में हम आपके लिए आज लेकर आए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आइए बिना टाइम को वेस्टिंग किए आपके लिए हम ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका वीडियो कुछ इस तरह का रहेगा, एक्सरसाइज 8.4 का है और ये एग्जाम्पल वाला मैथ है। इसको पूछा गया है cot a - cos a / cot a + cos a इक्वल cos a के माइनस वन अपॉन cos a के प्लस वन। इस तरह का जब भी आपको क्वेश्चन दे तो डायरेक्ट आपको फॉर्म याद करके डायरेक्ट लगा देना है। तो आइए दिखाते हैं आपको, हमारे मेथड को फॉलो कीजिए। जिस तरीके से हम बनाते हैं आपको सेम तरीका अपनाना होगा। अगर आप सेम तरीका नहीं अपनाते हैं तो आपका नंबर कटने का चांसेस ज़्यादा होता है, इसलिए उस चांसेस को बिल्कुल फेंक दीजिए। क्योंकि आप जब बनाते हैं तो आपका मेहनत लगता है और आप जब मेहनत करते हैं तो आपको 100% नंबर मिलना चाहिए। इसलिए आपके 100% नंबर को बढ़ाने के लिए हम आपको अपने तरीके से बताते हैं। तो अब इन दोनों में जो बराबर है इनको हम इस साइड वाले को LHS बोलते हैं और इस साइड वाले को RHS बोलते हैं। तो LHS को सबसे पहले हम लिख लेंगे। देखिए LHS हो गया, LHS हमारा इतना है, इसको लिख। LHS हमारा कंप्लीट हो गया है। अब LHS जो है RHS को देखेंगे वो किस फॉर्म में जल्दी से प्रूफ हो जाए। तो देखिए यहाँ पे cos a का है, cot का उल्टा cos a के होता है, बस हो गया काम खत्म। तो यहाँ पे फॉर्म लगेगा cot a का cos a बटे साइन। तो अब साइन माइनस है माइनस, देंगे इस वाले को कुछ नहीं करेंगे, cos a का cos a लिख देंगे, बड़ा वाला बटे दे देंगे। अब cot a को सेम करेंगे, फॉर्मूला सेम लगाएंगे, cos a बटे साइन a, अब प्लस है तो प्लस, cos a को कुछ चेंजिंग नहीं करेंगे, सेम लिख देंगे और इस जगह पे बराबर डालेंगे। सबसे बड़ा वाला भाई जो है उसके सामने बराबर का साइन डालेंगे। इससे हमारा स्पष्ट हो गया कि मैथ हमारा दो स्टेप क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा, इधर cos a कॉमन पॉइंट है, नीचे भी cos a हमारा कॉमन पॉइंट है। तो सबसे पहले कॉमन निकालिए, तो cos a कॉमन लिए तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, वन बटे साइन ए का हो गया हमारा साइन ए। अब यहाँ पर माइनस है, कॉस ए निकाल लिए तो बचा हमारा वन बटे कॉस ए, यहाँ भी कॉमन लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो वन बटे साइन ए प्लस का प्लस, यहाँ कॉस ए निकाल लिए तो वन, यहाँ पे इक्वल दे दीजिए। दूसरा स्टेप क्लियर हो चुका है। अब e cos a से ये वाला cos a हमारा खत्म हो गया, cos a से cos a हमारा खत्म हो गया। एक फॉर्मूला आप याद कीजिए, 1 by sin a बराबर होता है cos से, और यहाँ माइनस वन है माइनस वन डाल दीजिए बटे, 1 by sin a बराबर भी होता है cos a, वन है तो प्लस वन। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जो हमको लाना था वो हमारा आ चुका है। देखिए यहाँ पे cos a के माइनस वन cos a के प्लस वन, देखिए यहाँ पे cos a के माइनस वन cos a के प्लस वन। इस तरीके से हमारा ये मैथ बिल्कुल आसानी से बन चुका है। अब लास्ट लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर RHS।